वेलकम बैक टू वर्ल्ड इन 3 मिनट्स। आज हम आपको ले चलेंगे द लैंड ऑफ लेक्स। जी हाँ, आज हम आपको स्विट्जरलैंड में बेपरवाह ट्रैवल करने के कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग टिप्स देंगे। इंडिया से स्विट्जरलैंड का फ्लाइंग टाइम 9 से 12 घंटे तक का है। स्विट्जरलैंड का समय इंडिया से 4 घंटा 30 मिनट पीछे है। स्विट्जरलैंड जाने के लिए इंडियन टूरिस्ट को शेंजन वीजा लेना जरूरी है, जिसके लिए आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स, आइटिनरी और रिटर्न टिकट्स होना चाहिए। स्विट्जरलैंड किसी भी सीजन में घूमने जाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप स्विट्जरलैंड में क्या करना चाहते हैं। मार्च से जून का समय लेक राइड्स और गार्डन विजिट्स के लिए बेस्ट है। वहीं जुलाई और सितंबर पीक टूरिस्ट सीजन हैं। ऑटम के महीने सितंबर टू दिसंबर हाइकिंग के लिए बेस्ट हैं, और वहीं स्नो कैप्ड एल्प्स में स्कीइंग का मजा विंटर के सीजन्स में लिया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं स्विट्जरलैंड में काम आने वाली कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग टिप्स। ऑल्टीट्यूड सिकनेस को ध्यान में रखें। ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर जाते समय पानी पीते रहें। अपने शेड्स साथ रखें और सनस्क्रीन बिल्कुल ना भूलें। सोविनियर शॉप से स्विस चॉकलेट्स न खरीदें। सुपरमार्केट्स ढूंढें जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी चॉकलेट्स बेटर प्राइस पर मिल जाएंगी। स्विट्जरलैंड की करेंसी यूरो नहीं स्विस फ्रैंक है, तो कैश हैंडी रखना अच्छा आइडिया है, लेकिन चेंज का ध्यान जरूर रखें। वेदर काफी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, तो ऐसे क्लोथ्स कैरी करें जिन्हें आप आसानी से लेयर कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड एक छोटा लेकिन अद्भुत देश है, और यहाँ आकर लोग काफी सारी सिटीज देख सकते हैं, जैसे कैपिटल सिटी बर्न, मल्टीकल्चरल सिटी जिनेवा, बैंकिंग का ग्लोबल सेंटर ज्यूरिख। लेकिन इन मेजर सिटीज के अलावा भी स्विट्जरलैंड के स्मॉल टाउन्स और कॉम्पैक्ट सिटी टूरिस्ट के बीच काफी फेमस है, जैसे सीनिक ल्यूजर्न और इंटरलाकन। स्विट्जरलैंड के यहाँ टॉप अट्रैक्शंस आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। यूंगफ्रो, जो यूरोप का टॉप मोस्ट पॉइंट है, केबल कार टू माउंट टिटलिस, कैपलब्रुक, चेपल ब्रिज, लेक ल्यूजर्न, इंटरलाकन में एडवेंचर एक्टिविटीज करें, राइन फॉल्स। स्विट्जरलैंड के स्मॉल विलेजेस जैसे ग्रिंडलवॉल्ड जरूर विजिट करें, लेक जिनेवा और कैसल चिलोन। स्विट्जरलैंड की फेमस डेलिकेसीज जो आपको ट्राई करनी चाहिए हैं, स्विस चीज फोंड्यू, नस्टॉर्ट एक प्रकार का नट टार्ट, एल्पर मैगरोन मैकरोनी, रोस्टी, बर्चर म्यूसली, रैकलेट, बैसलर लैकरली एक प्रकार का स्पाइसी बिस्किट, टॉटी फ्लेट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्विस चॉकलेट्स। स्विट्जरलैंड से यह चीजें आप सोविनियर के तौर पर ला सकते हैं। स्विस मेड वॉचेस, विक्टोरिनॉक्स स्विस आर्मी नाइफ, स्विट्जरलैंड में बने चीज, स्विस हैंडीक्राफ्ट्स, स्विस वाइन, म्यूजिक बॉक्सेस और ऑफ कोर्स स्विस चॉकलेट्स। चलिए अब आपको बताते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दुनिया की काफी सारी यूजफुल इन्वेंशंस स्विट्जरलैंड की देन है, जैसे मिल्क चॉकलेट, म्यूजली, वेलक्रो, एब्सिंथ, कंप्यूटर माउस, एल्यूमिनियम फॉइल इत्यादि। स्विट्जरलैंड में डॉग ओनर्स से डॉग टैक्स लिया जाता है। वहाँ के ओनर्स को डॉग रखने के लिए स्पेशल कोर्सेज भी लेने पड़ते हैं। स्विट्जरलैंड में डेंटिस्ट से ज्यादा बैंक्स हैं। औसतन यहाँ पर 1400 रेजिडेंट्स के लिए एक बैंक है। कॉफी खरीदने के लिए स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे महंगा देश है, बशर्ते नेस्कैफे स्विट्जरलैंड का ही उत्पाद है। इस फैक्ट शीट में आप पाएंगे स्विट्जरलैंड में काम आने वाली कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग टिप्स और इमरजेंसी डिटेल्स। इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।
अगर इस वीडियो ने आपको स्विट्जरलैंड जाने के लिए इंस्पायर किया है तो बुकिंग्स की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर मैसेज ड्रॉप करें, जिसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। नेटसार की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रही लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेटसार की ओर से थैंक यू।